साड़ी अपनी भी तफीक नहीं ना करा दे भी कख नहीं है अस भी पढ़ा नहीं है डैडी उपर गै सारा खर्चा है कियां करना इले करोना कम शम भी बंद हो अगर कोई छोटा मोटा कोई कम करा दा वही बंद हो करो तुस हूँ काइंडली करो इसी दे ही बाकी करगे और भी बनागे ते करगे तुहाडे फिर बाकी करगे और भी बनागे ते करगे तुहाडे फिर नमस्कार द पब्लिश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वरुण शर्मा। जम्मू कश्मीर में करप्शन को ख़त्म करने के लिए बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन आज भी जम्मू कश्मीर में करप्शन के चार्जेस आए दिन लोगों पर लगे रहते हैं। और अगर आपको अगर कोई सरकारी काम करना है, अगर आप अपना छोटे से छोटा काम करवाने जाते हैं, तो 500 से लेकर 10,000 रुपये तक आपसे जो है वो रिश्वत मांगी जाती है। और जो गरीब लोग होते हैं वो अपना काम करवाने के लिए जो है वो पैसे देते हैं, और लगातार एक वीडियोस वायरल होती हैं, लोग पैसे लेते हैं, लोग देते हैं और उस मामले को रफा दफा कर दिया जाता है। और एक और एक ऐसा मामला सामने आया है करप्शन का, क्या पूरा मामला है आप इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे। एक वीडियो में एक व्यक्ति जो है वो पैसे लेता हुआ दिखाई दे रहा है, क्या पूरा मामला है, किस चीज़ के पैसे लिए जा रहे हैं। हमारे साथ नरेश माथुर जी हैं, इनसे पूरा मामला जानेंगे कि आखिरकार ये पूरा मामला है क्या। नरेश जी, ये क्या वीडियो जो दिखाई दे रहा है कि एक व्यक्ति जो है वो पैसे लेता हुआ नज़र आ रहा है, क्या पूरा मामला है? देखिए, मेरा नाम नरेश माथुर, जैसे आपने बोला, मैं ब्लॉक घोड़ी और तहसील रामनगर का रेजिडेंट हूँ। मैं एक PhD स्कॉलर हूँ। साल डेढ़ साल पहले की बात है, मेरे छोटे ब्रदर जाते हैं तहसील ऑफिस रामनगर में, हमारी तहसील रामनगर जैसे मैंने बताया, RBA बनाने के लिए। तो वहाँ जो लोकल जो वहाँ पे जो ऑफिशियल्स हैं वो ब्रदर को इनडायरेक्टली डायरेक्टली बोलते हैं कि अगर आपको 20-25 हज़ार रुपया देना है तो आपका सर्टिफिकेट जल्दी बना देंगे। उन दिनों कोई फॉर्म चल रहे थे तो अदरवाइज आपका सर्टिफिकेट नहीं बने, जॉब्स नहीं, वो सर्टिफिकेट बनाना था, बोले सर्टिफिकेट बना देंगे अगर आपको 20-25 हज़ार रुपया लगेगा उसका। अच्छा, तो भाई ने बोला मुझे इतनी जल्दी कोई ज़रूरत नहीं है, जो प्रोसेस है आप अपना टाइम लीजिए और जो आपको डॉक्यूमेंट चाहिए वो लीजिए, पैसे तो मैंने दूंगा। तो वो बोलते हैं कि आप इनके मतलब वो पीछे दूसरे आदमी से बात करते हैं, वहीं पे हमारा एक दूसरा भाई खड़ा था, बोलते हैं कि इसके फादर यार जॉब करते हैं तो इतना तो बनते हैं, ऐसे 20-25 हज़ार रुपये तो बनता है ऐसे। तो ब्रदर ने बोला भाई जो आपको फॉर्मेलिटी चाहिए वो मैं देने के लिए तैयार हूँ, बाकी मैं नहीं दूंगा। बोलते ठीक है फिर बना लो। 3 महीने तक ब्रदर डिपार्टमेंट में घूमते रहते हैं, उनकी फाइल तहसीलदार ऑफिस से जो नीचे पटवारी होता है वहाँ तक नहीं पहुँचती है। तो ब्रदर छोटा है मेरे से, तो मैंने एक्चुअली बड़ा भाई, तो मैंने कहा यार मैं पूछता हूँ क्या हो गया, तुम दिल्ली जाते हो, तुम्हारा सर्टिफिकेट का क्या हुआ, क्यों नहीं बना वो? तो मैं गया वहाँ पे, गिरदौर है, BCG सेक्शन होती है वहाँ पे, उसके वो हेड वही हैं फारूक अहमद। मैं उनके पास गया, मैंने कहा सर्टिफिकेट दिया था SSC का क्या स्टेटस है भाई, कहाँ गया हमारा सर्टिफिकेट, क्यों नहीं बना? बोलते हमें नहीं मालूम जी, बड़े आते रहते हैं तो पता नहीं कहाँ फाइल भेजी होगी। वो ऐसे मुझे टकराने लगे, मैं तहसीलदार के पास पेश हो गया, मैंने कहा यार ऐसे सर सर्टिफिकेट दिया था तो सर्टिफिकेट नहीं बना तो उसका क्या? बोलते हैं बड़े आते हैं मुझे क्या पता कौन सा सर्टिफिकेट। मैंने कहा सर फाइल की मैंने कॉपी रखी थी, मैंने कहा सर ये कॉपी है ये फाइल है। तो बोलते देखते हैं, तो मैंने कहा मैंने उनसे बात कर ली, मैंने कहा सर 3 महीने हो गए, 3 महीने ऐसे देख ही रहे हैं, तो पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के अंदर मैंने एक सवाल कर लिया। तो जो कहते हैं ना वो जो राजा वाला माइंड सेटअप, शायद उनको वो चुभा या क्या होगा मुझे गॉड नोज। मैंने कहा सर पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के अंदर आपको एक लिमिटेड टाइम है, उसके अंदर आपको सर्टिफिकेट इधर यू हैव टू एक्सेप्ट इट और रिजेक्ट इट, आपको दो में से कुछ एक काम करना है। तो बोलते हैं जी अगर आपको पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट इंप्लीमेंट करवाना है तो वकील लेके आया करें आप। अच्छा। तो मैंने कहा सर अब सर्टिफिकेट बनाने के लिए एक आम आदमी को, गरीब आदमी को वकील लाने पड़ेंगे आपके पास। बोलते फिर अगर आपको रूल दिखाना है फिर ऐसे ही करना पड़ेगा।
मैंने कहा साहब ये तो रूल आपके लिए बने हुए थे, उसके लिए आपने इतने बड़े बड़े छापे हैं बाहर, तो इसलिए छापे ना गवर्नमेंट ने, इसलिए बनाए हुए हैं। बोलते आपको मिल जाएगा ये 3-4 दिन के अंदर रिप्लाई। अच्छा, तो 3-4 दिन के अंदर क्या करते हैं साहब, मेरी फाइल में जब वो रिपोर्ट 3-4 दिन अंदर की रिपोर्ट वापस नीचे से ऊपर आई, वहाँ पे कहीं मेंशन नहीं था कि इसका सर्टिफिकेट रिजेक्ट कर दिया जाए, इसमें कोई ये लैक्यूना है। मेरे वहाँ पे लिख दिया जाता है कि इसका हम सर्टिफिकेट रिजेक्ट कर रहे हैं क्योंकि इसकी इनकम ज़्यादा है। तो मैंने कहा भाई साहब बताइए मुझे कैसी इनकम ज़्यादा है सर। तो बोलते जी मुझे आपको बताने की क्या जरूरत है, मैं अपने ऑफिशियल को बताऊंगा, सीनियर को, जिसको मुझे जवाब देना होगा, आप कौन होते हो मेरे को पूछने वाले। मैंने कहा सर कमाल है, मेरा सर्टिफिकेट रिजेक्ट कर रहे हो, मैं कौन होता हूँ। बोलते हैं मुझे नहीं आपको बताने की जरूरत, रिजेक्ट किया आपका फॉर्म पर उसका, वो आपका बताया नहीं किया गया कि क्यों रिजेक्ट किया। बोला इनकम है इनकी ज़्यादा है जी। अच्छा, लेकिन जो नीचे फाइल थी वो पूरी मेरे पास फोटो कॉपी थी, वहीं कहीं मेंशन नहीं था कि इनकी इनकम ज़्यादा है। मेरी फादर की पे सर्टिफिकेट वहाँ लगा था, जो एनुअल उनकी एग्रीगेट 3 साल की इनकम कैलकुलेट करनी होती है, मेरे पास पूरा एक्ट की PDF थी, मैंने पढ़ी हुई थी खुद वो। तो मैंने उनको बोला बताइए मुझे जस्टिफाई करिए कैसे ज़्यादा है। बोलते मुझे आपको करने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा अजीब है, मैंने क्या किया, मैंने उसके बाद RTI लगाई है। मैंने RTI में पूछा कि मुझे ये बताया जाए कि जो पब्लिक सर्विस, जो मैंने सवाल इनसे पूछे, मैंने कहा कितना टाइम होता है, अगर नहीं करता है कोई सज़ा क्या है, उसके बाद अगर जो एक साल में लास्ट 1 ईयर में आपने सर्टिफिकेट इशू किया मुझे उसकी डिटेल दे दी जाए, ताकि मुझे पता चल जाए कि मेरा रिजेक्ट क्यों हुआ है, मतलब मैं गलत हूँ सही हूँ मुझे पता चल जाए। तो मुझे वो सारे सवालों के जवाब नील कर दिए जाते हैं कि हम आपको ये इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते। मैंने कहा साहब मैंने कौन सी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की फाइल मांग ली, मैंने कौन सी कोई होम मिनिस्ट्री की फाइल मांग ली। बोलते नहीं मिलेगा ये, क्योंकि वहाँ तो वर्बल कोई मेरी फिजिकल उनसे कांटेक्ट था ही नहीं, वो डॉक्यूमेंटेड था सारा था। तो उसके बाद क्या होता है, इन्होंने डिनाई कर दी, मैं फर्स्ट अपील करने चला गया DC ऑफिस में, वहाँ से भी कोई रिप्लाई उसके बाद नहीं बनता है। मैं जो सेकेंड अपील था CIC में, उनके पास आ गया। तो इन द मीनवाइल क्या हुआ, जो 5 अगस्त का जो 370 का अब्रोगेशन था वो हो गया, तो वो CIC मेरी बॉडी डिसॉल्व हो गई वो जो उन दिनों में ही, तो मेरी फाइल वहीं की वहीं पड़ी रही। वो मैंने उसी टाइम के अंदर गवर्नर, उन दिनों सत्यपाल मलिक जी गवर्नर थे, मैंने गवर्नर सेल में कंप्लेंट डाल दी कि मेरे को ऐसे ऐसे हुआ, मेरे से पैसे मांगे गए और मेरा सर्टिफिकेट जो है मेरे साथ ना, मुझे RTI का रिप्लाई कर रहे हैं। मैंने सारी चीज़ जो मैंने अभी बताई वो सारी वहाँ लिख दी। उन्होंने DC ऑफिस को फॉरवर्ड की, DC ऑफिस ने तहसीलदार को वहाँ पर इंक्वायरी ऑफिसर बना दिया। अब वही आदमी जिसके खिलाफ कंप्लेन है, जो पैसे मांग रहा है, जो मेरे से प्रॉपर रूल फॉलो नहीं कर रहा है, मतलब दूध की रक्षा में बिल्ली बिठा दी, मतलब चोर को ही बोला तू जजमेंट दे अपने ऊपर, वो कैसे देगा, वो तो नहीं दे पाएगा ना। तो उसने इंक्वायरी मेरे को बुलाता कि तहसीलदार साहब बोल रहे हैं तो आपने आना है। मैंने कहा साहब तो मैंने जवाब दे दिया, जो सवाल थे मैंने पूछे हुए उनका जवाब दे दिए मुझे, आप मैंने आपके पास क्या करना है आके। बोलते ठीक है जी नहीं आइए। वो वहाँ पे सारी एप्लीकेशन डिसमिस वहाँ पे, और जवाब दे दिया कि हमने बुलाया था बंदा आया नहीं, खत्म बात। मतलब आप खुद ही चोर, खुद ही मालिक, खुद ही ऑफिस, सब कुछ ऑफ, तो मैंने क्यों आना है वहाँ पे। फिर मैंने क्या किया, अब दोनों तरीके मैंने फॉरवर्ड अप्लाई कर दिए, RTI भी लगा दी, मैंने गवर्नर के पास चला गया, मैंने SSP विजिलेंस को फ़ोन किया जम्मू में, मैंने कहा ऐसे ऐसे मेरे से पैसे मांगे जा रहे हैं सर्टिफिकेट के लिए। तो उन्होंने बोला कि आप एप्लीकेशन दीजिए, हम क्या करते हैं उसके आप प्रोसेस फॉलो करिए। मैंने सोचा अगर मैं इनको पैसे, इनके पास एप्लीकेशन देता हूँ तो जो आदमी मेरे से पैसे लेगा पकड़ा तो वो जाएगा, जो पीछे मेन किंग पिन है, जो सामने शायद वो आएगा ही नहीं, मेरे से पैसे लेगा ही नहीं, तो ये बच जाएंगे। मैंने ब्रदर को बोला 6 महीने हम ठंडे रहे, इतने में कोविड आ गया, उसके बाद हम शांत रहे, थोड़ा सा कोविड की रिलैक्सेशन मिली। मैंने ब्रदर को बोला, मैंने कहा अब दोबारा से नए सिरे से शुरुआत कर, और पहले हम सारी फैमिली का सर्टिफिकेट बनाने के लिए बोल रहे थे, अब इंडिविजुअली जाइए और वहाँ पे सर्टिफिकेट अप्लाई करिए और पूछिए कि जो आपका तरीका है। भाई फिर आ गया तरीका, पैसे वाला आ गया। मैंने भाई को बोला दे, तो मैंने बोला स्पाई कैमरा ऑन रखो, रिकॉर्डिंग ले लो इनकी सारी की सारी। ये रिकॉर्डिंग किसने की? ये छोटे ब्रदर ने की। हाँ, क्योंकि मैं तो वहाँ था नहीं वहाँ पे, तो मैंने बोला एक काम करिए आप इसकी रिकॉर्डिंग कर लीजिए सारी। जब सारी पैसे उसने बोला कि हम सर्टिफिकेट तो एक दिन में दे देते हैं। अच्छा। उसने खुद बोला, उसने बोला सर्टिफिकेट तो हम आप मतलब पैसा दीजिए। तो मैंने उसको बोला पहली थोड़ी सी इंस्टॉलमेंट, मुझे तो फंसाना था उसको, क्योंकि जो सच था वो सब लोगों में लाना था। मैं थक गया था एक ऑफिस में घूमते घूमते, वो मुसद्दीलाल चला ऑफिस, मैंने हर एक ऑफिस घूम लिया था मैं। तो मैंने कहा ठीक है जी, मैंने रिकॉर्डिंग की। मैंने उसके बाद फिर कोविड का कितने रुपए मांगे गए आपसे? देखिए सिंगल सर्टिफिकेट का मेरे से 10-11 हज़ार मांगा, 10,000 रुपये। पहले पूरों का 20-25 मांग रहे थे, सिंगल का 10-11 हज़ार मांगा। तो मैंने क्या उसको 4,000 के 3,000 दिया, मैंने इतना रखो जब सर्टिफिकेट होगा बाकी देंगे बाद में। रिकॉर्डिंग तो मेरे पास है, मैंने पटवारी को फिर, क्योंकि मैंने कहा फिर कोविड चल रहा था, रिलैक्सेशन तो थी नहीं इतनी ज़्यादा, मैंने पटवारी को एक दिन बुलाया, मैंने कहा मुझे तुम्हारे से, मैंने जो मैंने ऑनेस्टली बात थी मैंने वही की, मैंने कहा देखिए तुम्हारी वीडियो तो मेरे पास है, बट मैं चाह रहा हूँ कि जो तुम्हारे पीछे अल्टीमेटली जो तुम्हें लोग मांगते हैं मुझे उनकी डिटेल, जो मैंने RTI से इन्फॉर्मेशन दी थी मुझे वो इन्फॉर्मेशन दे दे भाई, ये सवाल मेरे इसके जवाब दे दे, तो बाकी मुझे तेरे से कोई लेना देना नहीं है। बोलता ठीक है जी देंगे, उसने भी कोई नहीं दिया। अब मेरे पास कोई और रास्ता नहीं बचा था, मैं आपके माध्यम से गवर्नर साहब को ये अपील करना चाह रहा हूँ,
कि मैंने कोई डोर जो है वो नॉक करने से नहीं छोड़ा हुआ है। मैं आपके सामने एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अर्ज कर रहा हूँ कि ये जो टर्माइट्स हैं, ये जो कल्प्रिट हैं, जो जो चोर हैं, जिनकी वजह से आम आदमी घिस जाता है ऑफिस चलते चलते, लेकिन उसका काम नहीं होता है, उसका खून चूसा जाता है, इनको काइंडली टर्मिनेट करा जाए। वो तहसीलदार है वहाँ पे, जो टर्माइट है वो तहसीलदार है, वो जो गिरदौर है, जो पटवारी है, जो पूरा नेक्सस है, नायब तहसीलदार है। और मेरे पास दूसरी वीडियो में पटवारी खुद कबूलनामा उसका कि मेरे से ये पैसे इतने साइन करवाने के, इतने पैसे ये बंदा लेता है, वो खुद बोला हुआ है कि ये पैसे मेरे से इस आदमी ने इतने लिए हैं मेरे से। कितना पुराना वीडियो है जब ये अपने जो वीडियो अपने दी? ये 4-5 महीने, मैंने कहा ये 4-5 महीने है, क्योंकि कोविड था तो मैंने कहा मैं आज जाता, ऊपर से नेट भी नहीं चल रहा था तो हमें भी आने में थोड़ा सा हेजिटेट कर रहे थे कि हम कहीं पे जाएंगे किस। अभी 4 महीने के बाद आप मीडिया में आ रहे हैं, तो क्या इतना इतना लंबा समय क्यों रखा आपने कि ये बात आप पहले भी पहुँचा सकते? मैंने कहा दो रीज़न थे, मैंने पहले बताया आपको, एक तो कोविड था, हम हेजिटेट कर रहे थे कि यहाँ सिटी में मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन करें, नंबर एक। नंबर दो, इलेक्शन चल रही थी पीछे, इलेक्शन DDC की, मैं इलेक्शन भी कॉन्टेस्ट कर रहा था, तो मैंने कहा मैं वहाँ बिजी था 1-2 महीना, तो इसी में टाइम लग गया थोड़ा सा। और मैंने उसके बाद मैंने कहा, मैंने पटवारी को भी बोला कि मेरे को थोड़ा और रिकॉर्ड मिले, और जो बेसिकली मेन जो रैकेट चला रहे हैं ये लूटने का, वो मैं सामने लाना चाहता था, इसीलिए मैंने थोड़ा सा समय लिया इस चीज़ के लिए जी। अब क्या क्या चाहते हैं कि क्या कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे लोगों पर, क्योंकि बहुत सारे गरीब लोग जहाँ बैकवर्ड एरिया से आते हैं, वहाँ पर गरीब लोग रहते हैं, सिर्फ आपके साथ ही नहीं होता हुआ, औरों के साथ भी तो होता हुआ, हर घर में यही कहानी, हर मोहल्ले में, मेरे को लगता है, मेरी फीलिंग है, मे बी मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मैं गवर्नर मोदी से ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे लोग जहाँ पे भी आपको मिलते हैं, एक एग्जाम्पल सेट करिए, एग्जाम्पलरी वर्क करिए, उनको सिंपली सस्पेंड मत करिएगा, टर्मिनेट करिए जॉब से, टर्मिनेट करिए, ताकि एक एग्जाम्पल सेट हो सोसाइटी में। जब एग्जाम्पल सेट होगी तो डर होगा, जब डर होगा तो लोग लेने से हेजिटेट करेंगे। और मैं इनके साथ साथ गवर्नर मोदी के साथ मैं अपनी युवा पीढ़ी को, अपने सोशल एक्टिविस्ट हैं, मीडिया बंधुओं से, सोशल जो टॉर्च वेयर हैं, उनको सबको ये अपील करना चाहता हूँ कि जहाँ भी कभी आपको ऐसे लोग दिखते हैं जो लेन देन में विश्वास रखते हैं, जो चोरी को प्रमोट करते हैं, करप्शन को प्रमोट करते हैं, उनको एक्सपोज करिए, एक्सपोज द करप्ट कंपेन चलाएं, ताकि ऐसे लोगों को सबक मिले और एक आम आदमी एक रेस्पेक्टफुल ज़िंदगी जी पाए। धन्यवाद। मैं सवाल पूछना चाहूँगा, जिस व्यक्ति को आप पैसे दे रहे हैं, ये व्यक्ति है कौन है, कौन सी पोस्ट पे बैठा हुआ है? ये पटवारी है वहाँ, पटवारी ये जो पटवारी जो वहाँ पे जो नीचे जब सबसे जिसने रिपोर्टिंग करनी होती है, पटवारी है वहाँ, पटवारी। एक सवाल को और जवाब दीजिए, जो RBI बनाने जाता है, मुझे लगता है वो गरीबी रेखा से भी मेरे ख्याल से नीचे आता होगा, तो अगर उनसे रिश्वत मांगी जाती है तो फिर 10,000 रुपये तक वो कैसे देगा? बेसिकली सर उसके एक क्राइटेरिया नहीं है, उस एक्टिंग में बड़ी सारे क्राइटेरिया हैं, एक तो किसी की इनकम देखी जाती है, वो वहाँ पे पढ़ा लिखा होना चाहिए, वहाँ पे उसके बाद अगर वो पढ़ा लिखा नहीं, उसके फादर अगर जॉब करते हैं तो बाहर भी पढ़ सकता है, तो बड़े सारे क्राइटेरिया हैं वहाँ पे, उसके अकॉर्डिंग ही उसको सर्टिफिकेट इशू किया जाता है, कोई एक पर्टिकुलर नहीं है। आपका ये कहना है कि इंक्वायरी होनी चाहिए और जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उन पर कार्रवाई, टर्मिनेट होना चाहिए, सिंपल मैं उनको टर्मिनेशन की डिमांड करता हूँ और विनती कर रहा हूँ गवर्नर महोदय से इस बात के लिए, क्योंकि मुझे लोकल किसी ऑफिशियल पे यकीन ही नहीं रहा अब, क्योंकि मैंने हर एक ऑफिस जो वो नॉक करके देख लिया हुआ है। शुक्रिया से बातचीत करने के लिए। तो इन वीडियो में आपने देखा कि किस तरह से रिश्वत जो है वो मांगी जाती है, अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की बात करें, अलग अलग डिपार्टमेंट की बात करें, तो लोग जो हैं वो अपना काम करवाने के लिए इन डिपार्टमेंट में पहुंचते हैं, लेकिन उनसे रिश्वत मांगी जाती है। अब कितनी सच्चाई है, और जो व्यक्ति पैसा लेता हुआ नज़र आ रहा है उस पर भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे, अगर वो हमसे बातचीत करेगा तो उससे बातचीत करने की भी कोशिश करेंगे, अगर बातचीत हुई तो इस वीडियो में मैं उनका भी वर्जन लेना ज़रूर चाहूँगा, ताकि सच्चाई का बारे में ज़रूर पता चले। अगर इसमें ज़रा से भी सच्चाई है तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि और लोग जो है इस जो धोखाधड़ी है, जो रिश्वत मांगने वाला जो कारोबार चल रहा है, इस पर कमी आ सके। बन रहे हैं द पब्लिश के साथ, धन्यवाद। नमस्कार, द पब्लिश में आप सभी का स्वागत है, मैं हूं वरुण शर्मा। जम्मू कश्मीर में करप्शन को ख़त्म करने के लिए बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन आज भी जम्मू कश्मीर में करप्शन के चार्जेस आए दिन लोगों पर लगे रहते हैं। और अगर आपको अगर कोई सरकारी काम करना है, अगर आप अपना छोटे से छोटा काम करवाने जाते हैं, तो 500 से लेकर 10,000 रुपये तक आपसे जो है वो रिश्वत मांगी जाती है। और जो गरीब लोग होते हैं वो अपना काम करवाने के लिए जो है वो पैसे देते हैं, और लगातार एक वीडियोस वायरल होती हैं, लोग पैसे लेते हैं, लोग देते हैं, और उस मामले को रफा दफा कर दिया जाता है। और एक और एक ऐसा मामला सामने आया है करप्शन का, क्या पूरा मामला है आप इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे। एक वीडियो में एक व्यक्ति जो है वो पैसे लेता हुआ दिखाई दे रहा है, क्या पूरा मामला है, किस चीज़ के पैसे लिए जा रहे हैं, हमारे साथ नरेश माथुर जी हैं, इनसे पूरा मामला जानेंगे कि आखिरकार ये पूरा मामला है क्या। नरेश जी, ये क्या वीडियो जो
दिखाई दे रहा है कि एक व्यक्ति जो है वो पैसे लेता हुआ नजर आ रहा है, क्या पूरा मामला है? देखिए, मेरा नाम नरेश माथुर, जैसे आपने बोला, मैं ब्लॉक घोड़ी और तहसील रामनगर का रेजिडेंट हूँ। मैं एक PhD स्कॉलर हूँ। साल डेढ़ साल पहले की बात है, मेरे छोटे ब्रदर जाते हैं तहसील ऑफिस रामनगर में, हमारी तहसील रामनगर जैसे मैंने बताया, अरबिया बनाने के लिए। तो वहाँ जो लोकल जो वहाँ पे जो ऑफिशियल्स हैं वो ब्रदर को इनडायरेक्टली डायरेक्टली बोलते हैं कि अगर आपको 20-25 हज़ार रुपया देना है तो आपका सर्टिफिकेट जल्दी बना देंगे। उन दिनों कोई फॉर्म चल रहे थे तो अदरवाइज आपका सर्टिफिकेट नहीं बने, जॉब्स नहीं, वो सर्टिफिकेट बनाना था, बोला सर्टिफिकेट बना देंगे अगर आपको 20-25 हज़ार रुपया लगेगा उसका। अच्छा, तो भाई ने बोला मुझे इतनी जल्दी कोई ज़रूरत नहीं है, जो प्रोसेस है आप अपना टाइम लीजिए और जो आपको डॉक्यूमेंट चाहिए वो लीजिए, पैसे तो मैंने दूंगा। तो वो बोलते हैं कि आप इनके मतलब वो पीछे दूसरे आदमी से बात करते हैं, वहीं पे हमारा एक दूसरा भाई खड़ा था, बोलते हैं कि इसके फादर यार जॉब करते हैं तो इतना तो बनते हैं ऐसे, 20-25 हज़ार रुपये तो बनता है ऐसे। तो ब्रदर ने बोला भाई जो आपको फॉर्मेलिटी चाहिए वो मैं देने के लिए तैयार हूँ, बाकी मैं नहीं दूँगा। बोलते ठीक है फिर बना लो। 3 महीने तक ब्रदर डिपार्टमेंट में घूमते रहते हैं, उनकी फाइल तहसीलदार ऑफिस से जो नीचे पटवारी होता है वहाँ तक नहीं पहुँचती है। तो ब्रदर छोटा है मेरे से, तो मैंने एक्चुअली बड़ा भाई, तो मैंने कहा यार मैं पूछता हूँ क्या हो गया, तुम दिल्ली जाते हो, तुम्हारा सर्टिफिकेट का क्या हुआ, क्यों नहीं बना वो? तो मैं गया वहाँ पे, गिरदौर है, BCG सेक्शन होती है वहाँ पे, उसके वो हेड वही हैं फारूक अहमद। मैं उनके पास गया, मैंने कहा सर्टिफिकेट दिया था ऐसे, इसका क्या स्टेटस है भाई, कहाँ गया हमारा सर्टिफिकेट, क्यों नहीं बना? बोलते हमें नहीं मालूम जी, बड़े आते रहते हैं तो पता नहीं कहाँ फाइल भेजी होगी। वो ऐसे मुझे टकराने लगे, मैं तहसीलदार के पास पेश हो गया, मैंने कहा यार ऐसे ऐसे सर सर्टिफिकेट दिया था तो सर्टिफिकेट नहीं बना, तो उसका क्या? बोलते हैं बड़े आते हैं मुझे क्या पता कौन सा सर्टिफिकेट। मैंने कहा सर फाइल की मैंने कॉपी रखी थी, मैंने कहा सर ये कॉपी है ये फाइल है। तो बोलते देखते हैं, तो मैंने कहा मैंने उनसे बात कर ली, मैंने कहा सर 3 महीने हो गए, 3 महीने ऐसे देख ही रहे हैं, तो पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के अंदर मैंने एक सवाल कर लिया। तो जो कहते हैं ना वो जो राजा वाला माइंड सेटअप, शायद उनको वो चुभा या क्या होगा मुझे गॉड नोज। मैंने कहा सर पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के अंदर आपको एक लिमिटेड टाइम है, उसके अंदर आपको सर्टिफिकेट इधर यू हैव टू एक्सेप्ट इट और रिजेक्ट इट, आपको दो में से कुछ एक काम करना है। तो बोलते हैं जी अगर आपको पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट इंप्लीमेंट करवाना है तो वकील लेके आया करें आप। अच्छा। तो मैंने कहा सर आप सर्टिफिकेट बनाने के लिए एक आम आदमी को, गरीब आदमी को वकील लाने पड़ेंगे आपके पास। बोलते फिर अगर आपको रूल दिखाना है फिर ऐसे ही करना पड़ेगा। मैंने कहा साहब ये रूल आपके लिए बने हुए थे, उसके लिए आपने इतने बड़े बड़े छापे हैं बाहर, तो इसलिए छापे ना, गवर्नमेंट इसलिए बनाए हुए हैं। बोलते आपको मिल जाएगा ये 3-4 दिन के अंदर रिप्लाई। अच्छा। तो 3-4 दिन के अंदर क्या करते हैं साहब, मेरी फाइल में जब वो रिपोर्ट 3-4 दिन अंदर के रिपोर्ट वापस नीचे से ऊपर आई, वहाँ पे कहीं मेंशन नहीं था कि इसका सर्टिफिकेट रिजेक्ट कर दिया जाए, इसमें कोई ये लैक्यूना है। मेरे वहाँ पे लिख दिया जाता कि इसका हम सर्टिफिकेट रिजेक्ट कर रहे हैं क्योंकि इसकी इनकम ज़्यादा है। तो मैंने कहा भाई साहब बताइए मुझे कैसी इनकम ज़्यादा है सर। तो बोलते जी मुझे आपको बताने की क्या जरूरत है, मैं अपने ऑफिशियल को बताऊंगा, सीनियर को, जिसको मुझे जवाब देना होगा, आप कौन होते हो मेरे को पूछने वाले? मैंने कहा सर कमाल है मेरा सर्टिफिकेट रिजेक्ट कर रहे हो, मैं कौन होता हूँ? बोलते मुझे नहीं आपको बताने की जरूरत, रिजेक्ट किया आपका फॉर्म पर उसका वो आपका बताया नहीं किया गया कि क्यों रिजेक्ट किया। बोला ना बोला इनकम है इनकी ज़्यादा है जी। अच्छा। लेकिन जो नीचे फाइल थी वो पूरी मेरे पास फोटो कॉपी थी, वहीं कहीं मेंशन नहीं था कि इनकी इनकम ज़्यादा है। मेरी फादर की पे सर्टिफिकेट वहाँ लगा था, जो एनुअल उनकी एग्रीगेट 3 साल की इनकम कैलकुलेट करनी होती है, मेरे पास पूरा एक्ट की PDF थी, मैंने पढ़ी हुई थी खुद वो। तो मैंने उनको बोला बताइए मुझे जस्टिफाई करिए कैसे ज़्यादा है। बोलते मुझे आपको करने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा अजीब है, मैंने क्या किया, मैंने उसके बाद RTI लगाई है। मैंने RTI में पूछा कि मुझे ये बताया जाए कि जो पब्लिक सर्विस, जो मैंने सवाल इनसे पूछे, मैंने कहा कितना टाइम होता है, अगर नहीं करता है कोई सज़ा क्या है, उसके बाद अगर जो एक साल में लास्ट 1 ईयर में आपने सर्टिफिकेट इशू किया मुझे उसकी डिटेल दे दी जाए ताकि मुझे पता चल जाए कि मेरा रिजेक्ट क्यों हुआ है, मतलब मैं गलत हूँ सही हूँ मुझे पता चल जाए। तो मुझे वो सारे सवालों के जवाब नील कर दिए जाते हैं कि हम आपको ये इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते। मैंने कहा साहब मैंने कौन सी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की फाइल मांग ली, मैंने कौन सी कोई होम मिनिस्ट्री की फाइल मांग ली? बोलते नहीं मिलेगा जी, क्योंकि वहाँ तो वर्बल कोई मेरी फिजिकल उनसे कांटेक्ट था ही नहीं, वो डॉक्यूमेंटेड था सारा था। तो उसके बाद क्या होता है, इन्होंने डिनाई कर दी, मैं फर्स्ट अपील करने चला गया DC ऑफिस में, वहाँ से भी कोई रिप्लाई उसके बाद नहीं बनता है। मैं जो सेकेंड अपील था CIC में उनके पास आ गया। तो इन द मीनवाइल क्या हुआ, जो 5th अगस्त का जो 370 का ऑब्रोगेशन था वो हो गया, तो वो CIC मेरी बॉडी डिसॉल्व हो गई वो जो उन दिनों में ही, तो मेरी फाइल वहीं की वहीं पड़ी रही। वो मैंने उसी टाइम के अंदर गवर्नर, उन दिनों सत्यपाल मलिक जी गवर्नर थे, मैंने गवर्नर सेल में कंप्लेंट डाल दी कि मेरे को ऐसे ऐसे हुआ, मेरे से पैसे मांगे गए और मेरा सर्टिफिकेट जो है मेरे साथ ना, मुझे RTI का रिप्लाई कर रहे हैं। मैंने सारी चीज़ जो मैंने अभी बताई वो सारी वहाँ लिख दी, उन्होंने DC ऑफिस को फॉरवर्ड की, DC ऑफिस ने तहसीलदार को वहाँ पर इंक्वायरी ऑफिसर बना दिया। अब वही आदमी जिसके खिलाफ कंप्लेन है, जो पैसे मांग रहा है, जो मेरे से प्रॉपर रूल फॉलो नहीं कर रहा है, मतलब दूध की रक्षा में बिल्ली बिठा दी, मतलब चोर को ही बोला तू जजमेंट दे अपने ऊपर, वो कैसे देगा, वो तो नहीं दे पाएगा ना।
तो उसने इंक्वायरी मेरे को बुलाता कि तहसीलदार साहब बोल रहे हैं तो आपने आना है। मैंने कहा साहब तो मैंने जवाब दे दिया, जो सवाल थे मैंने पूछे हुए उनका जवाब दे दिए मुझे आप, मैंने आपके पास क्या करना है आके। बोलते ठीक है जी नहीं आइए। वो वहाँ पे सारी एप्लीकेशन डिसमिस वहाँ पे, और जवाब दे दिया कि हमने बुलाया था बंदा आया नहीं, खत्म बात। मतलब आप खुद ही चोर, खुद ही मालिक, खुद ही ऑफिस, सब कुछ ऑफ, तो मैंने क्यों आना है वहाँ पे। फिर मैंने क्या किया, अब दोनों तरीके मैंने फॉरवर्ड अप्लाई कर दिए, आरटीए भी लगा दी, मैंने गवर्नर के पास चला गया, मैंने एसएसपी विजिलेंस को फ़ोन किया जम्मू में, मैंने कहा ऐसे ऐसे मेरे से पैसे मांगे जा रहे हैं सर्टिफिकेट के लिए, तो उन्होंने बोला कि आप एप्लीकेशन दीजिए, हम क्या करते हैं उसकी आप प्रोसेस फॉलो करिए। मैंने सोचा अगर मैं इनको पैसे इनके पास एप्लीकेशन देता हूँ तो जो आदमी मेरे से पैसे लेगा पकड़ा तो वो जाएगा, जो पीछे मेन किंग पिन है जो सामने शायद वो आएगा ही नहीं, मेरे से पैसे लेगा ही नहीं, तो ये बच जाएंगे। मैंने ब्रदर को बोला 6 महीने हम ठंडे रहे, इतने में कोविड आ गया, उसके बाद हम शांत रहे, थोड़ा सा कोविड की रिलैक्सेशन मिली। मैंने ब्रदर को बोला, मैंने कहा अब दोबारा से नए सिरे से शुरुआत कर, और पहले हम सारी फैमिली का सर्टिफिकेट बनाने के लिए बोल रहे थे, अब इंडिविजुअली जाइए और वहाँ पे सर्टिफिकेट अप्लाई करिए और पूछिए कि जो आपका तरीका है। भाई फिर आ गया तरीका, पैसे वाला आ गया। मैंने भाई को बोला दे, तो मैंने बोला स्पाई कैमरा ऑन रखो, रिकॉर्डिंग ले लो इनकी सारी की सारी। ये रिकॉर्डिंग किसने की? ये छोटे ब्रदर ने की। हाँ, क्योंकि मैं तो वहाँ था नहीं वहाँ पे, तो मैंने बोला एक काम करिए आप इसकी रिकॉर्डिंग कर लीजिए सारी। जब सारी पैसे उसने बोला कि हम सर्टिफिकेट तो एक दिन में दे देते हैं, उसने खुद बोला, उसने बोला सर्टिफिकेट तो हम आप मतलब पैसा दीजिए, तो मैंने उसको बोला पहली थोड़ी सी इंस्टॉलमेंट, मुझे तो फंसाना था उसको, क्योंकि जो सच था वो सब लोगों में लाना था। मैं थक गया था एक ऑफिस में घूमते घूमते, वो मुसद्दीलाल चला ऑफिस ऑफिस, मैंने हर एक ऑफिस घूम लिया था मैं। तो मैंने कहा ठीक है जी, मैंने रिकॉर्डिंग की। मैंने उसके बाद फिर कोविड का कितने रुपए मांगे गए आपसे? देखिए सिंगल सर्टिफिकेट का मेरे से 10-11 हज़ार मांगा, 10,000 रुपये। पहले पूरों का 20-25 मांग रहे थे, सिंगल का 10-11 हज़ार मांगा। तो मैंने क्या उसको 4,000 के 3,000 दिया, मैंने इतना रखो जब सर्टिफिकेट होगा बाकी देंगे बाद में। रिकॉर्डिंग तो मेरे पास है, मैंने पटवारी को फिर, क्योंकि मैंने कहा फिर कोविड चल रहा था, रिलैक्सेशन तो थी नहीं इतनी ज़्यादा, मैंने पटवारी को एक दिन बुलाया, मैंने कहा मुझे तुम्हारे से मैंने ऑनेस्टली बात थी मैंने वही की, मैंने कहा देखिए तुम्हारी वीडियो तो मेरे पास है बट मैं चाह रहा हूँ कि जो तुम्हारे पीछे अल्टीमेटली जो तुम्हें लोग मांगते हैं मुझे उनकी डिटेल, जो मैंने आरटीए से इन्फॉर्मेशन दी थी मुझे वो इन्फॉर्मेशन दे दे भाई, ये सवाल मेरे इसके जवाब दे दे, तो बाकी मुझे तेरे से कोई लेना देना नहीं है। बोलता ठीक है जी देंगे, उसने भी कोई नहीं दिया। अब मेरे पास कोई और रास्ता नहीं बचा था, मैं आपके माध्यम से गवर्नर साहब को ये अपील करना चाह रहा हूँ कि मैंने कोई डोर जो है वो नॉक करने से नहीं छोड़ा हुआ है। मैं आपके सामने एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अर्ज कर रहा हूँ कि ये जो टर्माइट्स हैं, ये जो क्रिट हैं, जो जो चोर हैं, जिनकी वजह से आम आदमी घिस जाता है ऑफिस चलते चलते लेकिन उसका काम नहीं होता है, उसका खून चूसा जाता है, इनको काइंडली टर्मिनेट करा जाए। वो तहसीलदार है वहाँ पे, जो टर्माइट है वो तहसीलदार है, वो जो गिरदौर है, जो पटवारी है, जो पूरा नेक्सस है नायब तहसीलदार है, और मेरे पास दूसरी वीडियो में पटवारी खुद कबूलनामा उसका कि मेरे से ये पैसे इतने साइन करवाने के इतने पैसे ये बंदा लेता है, वो खुद बोला हुआ है कि ये पैसे मेरे से इस आदमी ने इतने लिए हैं मेरे से। कितना पुराना वीडियो है जब ये अपने जो वीडियो अपने दी ये 4-5 महीने, मैंने कहा ये 4-5 महीने, क्योंकि कोविड था तो मैंने कहा मैं आज जाता, ऊपर से नेट भी नहीं चल रहा था तो हमें भी आने में थोड़ा सा हेजिटेट कर रहे थे कि हम कहीं पे जाएंगे किस। अभी 4 महीने के बाद आप मीडिया में आ रहे हैं तो क्या इतना लंबा समय क्यों रखा आपने कि ये बात आप पहले भी पहुँचा सकते? मैंने कहा दो रीज़न थे, मैंने पहले बताया आपको, एक तो कोविड था, हम हेजिटेट कर रहे थे कि यहाँ सिटी में मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन करें, नंबर एक। नंबर दो, इलेक्शन चल रही थी पीछे, इलेक्शन DDC की, मैं इलेक्शन भी कॉन्टेस्ट कर रहा था तो मैंने कहा मैं वहाँ बिजी था 1-2 महीना तो इसी में टाइम लग गया थोड़ा सा। और मैंने उसके बाद मैंने कहा, मैंने पटवारी को भी बोला कि मेरे को थोड़ा और रिकॉर्ड मिले, और जो बेसिकली मेन जो रैकेट चला रहे हैं ये लूटने का वो मैं सामने लाना चाहता था, इसीलिए मैंने थोड़ा सा समय लिया इस चीज़ के लिए जी। अब क्या क्या चाहते हैं कि क्या कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे लोगों पर, क्योंकि बहुत सारे गरीब लोग जहाँ बैकवर्ड एरिया से आते हैं, वहाँ पर गरीब लोग रहते हैं, सिर्फ आपके साथ ही नहीं होता हुआ औरों के साथ भी तो होता होगा, हर घर में यही कहानी, हर मोहल्ले में मेरे को लगता है, मेरी फीलिंग है, मे बी मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मैं गवर्नर मोदी से ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे लोग जहाँ पे भी आपको मिलते हैं एक एग्जाम्पल सेट करिए, एग्जाम्पलरी वर्क करिए, उनको सिंपलली सस्पेंड मत करिएगा, टर्मिनेट करिए जॉब से, टर्मिनेट करिए ताकि एक एग्जाम्पल सेट हो सोसाइटी में, जब एग्जाम्पल सेट होगी तो डर होगा, जब डर होगा तो लोग लेने से हेजिटेट करेंगे। और मैं इनके साथ साथ गवर्नर मोदी के साथ मैं अपनी युवा पीढ़ी को, अपने सोशल एक्टिविस्ट हैं, मीडिया बंधुओं से, सोशल जो टॉर्चवेयर हैं उनको सबको ये अपील करना चाहता हूँ कि जहाँ भी कभी आपको ऐसे लोग दिखते हैं जो लेन देन में विश्वास रखते हैं, जो चोरी को प्रमोट करते हैं, करप्शन को प्रमोट करते हैं, उनको एक्सपोज करिए, एक्सपोज द करप्ट कंपेन चलाएं ताकि ऐसे लोगों को सबक मिले और एक आम आदमी एक रेस्पेक्टफुल ज़िंदगी जी पाए। धन्यवाद। मैं सवाल पूछना चाहूँगा, जिस व्यक्ति को आप पैसे दे रहे हैं ये व्यक्ति है कौन है, कौन सी पोस्ट पे बैठा हुआ है? ये पटवारी है वहाँ, पटवारी ये जो पटवारी जो वहाँ पे जो नीचे जब सबसे जिसने रिपोर्टिंग करनी होती है पटवारी है वहाँ। एक सवाल को जवाब दीजिए, जो RBI बनाने जाता है
मुझे लगता है वो गरीबी रेखा से भी मेरे ख्याल से नीचे आता होगा, तो अगर उनसे रिश्वत मांगी जाती है तो फिर 10,000 रुपये तक वो कैसे देगा? बेसिकली सर उसके एक क्राइटेरिया नहीं है, उस एक्टिव में बड़ी सारे क्राइटेरिया हैं। एक तो किसी की इनकम देखी जाती है, वो वहाँ पे पढ़ा लिखा होना चाहिए। अच्छा। वहाँ पे उसके बाद अगर वो पढ़ा लिखा नहीं, उसके फादर अगर जॉब करते हैं तो बाहर भी पढ़ सकता है, तो बड़े सारे क्राइटेरिया हैं वहाँ पे, उसके अकॉर्डिंग ही उसको सर्टिफिकेट इशू किया जाता है, कोई एक पर्टिकुलर नहीं है। आपका ये कहना है कि इंक्वायरी होनी चाहिए और जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उन पर कार्रवाई टर्मिनेट होना चाहिए। सिंपल मैं उनको टर्मिनेशन की डिमांड करता हूँ और विनती कर रहा हूँ गवर्नर महोदय से इस बात के लिए, क्योंकि मुझे लोकल किसी ऑफिशियल पर यकीन ही नहीं रहा अब, क्योंकि मैंने हर एक ऑफिस जो वो नॉक करके देख लिया हुआ है। शुक्रिया उनसे बातचीत करने के लिए। तो इन वीडियो में आपने देखा कि किस तरह से रिश्वत जो है वो मांगी जाती है। अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की बात करें, अलग अलग डिपार्टमेंट की बात करें, तो लोग जो हैं वो अपना काम करवाने के लिए इन डिपार्टमेंट में पहुंचते हैं, लेकिन उनसे रिश्वत मांगी जाती है। अब कितनी सच्चाई है और जो व्यक्ति पैसा लेता हुआ नज़र आ रहा है उस पर भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। अगर वो हमसे बातचीत करेगा तो उससे बातचीत करने की भी कोशिश करेंगे, अगर बातचीत हुई तो इस वीडियो में मैं उनका भी वर्जन लेना ज़रूर चाहूँगा, ताकि सच्चाई का बारे में ज़रूर पता चले। अगर इसमें ज़रा से भी सच्चाई है तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि और लोग जो है इस जो धोखाधड़ी है, जो रिश्वत मांगने वाला जो कारोबार चल रहा है, इस पर कमी आ सके। बन रहे हैं द पब्लिश के साथ, धन्यवाद।